नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। जगदीशपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। पीरपैंती में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में दो की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बांका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे चार अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर में BSNL ने आकर्षक प्लान के साथ 4G सेवा का किया शुभारंभ। GM महेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और जिला उर्दू कोषांग की ओर से भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सफल प्रतिभागियों को बुधवार को किया जाएगा पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगदीशपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर पुलिस को झारखंड से शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी के नेतृत्व में सनोहला मोड़ के समीप वाहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान झारखंड की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर गाड़ी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी से 29 कार्टून शराब को बरामद किया है, साथ ही पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चालक की पहचान इसाकचक बिसेरी टोला के सरजुन चौधरी के पुत्र मंगल चौधरी के रूप में हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस के समक्ष शराब कारोबारियों के नाम का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कहलगांव अनुमंडल के पीरपैंती में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में दो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक व्यक्ति की पहचान कमलचक निवासी रविन्द्र मिश्रा और ईसीपुर निवासी मोहम्मद मुस्तफा के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बाराहाट से पीरपैंती की ओर यात्रियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार ऑटो प्यालापुर के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती CO मौके पर पहुंचे और सहायता राशि देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका के बाराहाट में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में जमा हुए 5 अपराधियों को बांका पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद किया है। बांका SP अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। SP ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए चिहार पुलिया के समीप जुटे थे, जिसके बाद SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने छापेमारी कर मौके से अरविंद यादव, रंजन यादव, लालू यादव और कुंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अपराधी अरुण मंडल मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। SP ने कहा कि हाल के दिनों में बांका के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई घटनाओं में अरविंद यादव और कुंदन यादव की संलिप्तता सामने आई है, साथ ही दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में जुट गई है। हम लोगों को सूचना मिली कि बागा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जमा हैं, जो किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। पूर्व में भी जो घटनाएं घटी थी, हम लोगों ने SDPO के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया था। उसी आलोक में छापेमारी करते हुए हम लोगों ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, अरविंद यादव, रंजन यादव, लालू गुप्ता और कुंदन यादव। एक अपराधी भाग गया, अरुण मंडल। इन चारों के पास से 2 देशी कट्टा और 4 कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, 1 चाकू है और 2 मोटरसाइकिल है, 5 मोबाइल फोन है। इनमें से अरविंद यादव और कुंदन यादव कई कांडों में पूर्व से आरोपित रहा है, कई आपराधिक इतिहास भी हैं और वर्तमान में जो घटनाएं घटित हुई हैं अमरपुर, बांका और बाराहाट थाना क्षेत्र में, इसमें कई कांडों में इसकी संलिप्तता है और इन्होंने स्वीकार भी किया है। भागलपुर के BSNL महाप्रबंधक कार्यालय सभागार में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में BSNL GM महेश कुमार ने भागलपुर दूरसंचार जिले के अंतर्गत आने वाले बांका, अमरपुर, सुल्तानगंज एवं नौगछिया के 15 लोकेशन पर BSNL द्वारा 4G सेवा लॉन्च किए जाने की जानकारी दी और कहा कि भागलपुर समेत बिहार सर्किल के 25 शहरी क्षेत्रों में अब तक 4G सेवा की शुरुआत की गई है।
जीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र के सभी बीटीएस उपकरण को 4G में अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को 30 Mbps तक की स्पीड मिल रही है। बीएसएनएल 4G का लाभ लेने के लिए बीएसएनएल के 2G एवं 3G उपभोक्ताओं को अपना सिम अपग्रेड करना होगा, जबकि अन्य उपभोक्ता नया 4G सिम लेकर बीएसएनएल 4G स्पीड का लाभ ले सकेंगे। साथ ही कहा कि बीएसएनएल फाइबर टू होम सेवा के माध्यम से दिए जा रहे ब्रॉडबैंड कनेक्शन से 100 Mbps तक स्पीड मिलेगी। इस दौरान जीएम समेत कई अधिकारियों ने बीएसएनएल 4G का पोस्टर लॉन्च किया और लोगों से कम समय में तेज इंटरनेट का लाभ लेने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमरे आलम, आरपी सिंह, पीके घोष, संजय कुमार कनौजिया, जयंत शाह समेत बीएसएनएल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए, हमने बीएसएनएल भागलपुर में 15 जगहों पर 4G सेवाएं लॉन्च की हैं, जिसमें कि उपभोक्ताओं को बहुत अच्छी स्पीड, डाउनलोड स्पीड मिलेगी, जिसमें कि बांका, नौगछिया, सुल्तानगंज और अमरपुर के क्षेत्र है। और यहाँ पर उपभोक्ता अपना 2G और 3G सिम फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर सकता है 4G के सिम में। और ये हमने सुविधा 4 जगह दे रखी है ग्राहक सेवा केंद्र पर, बांका, नौगछिया, सुल्तानगंज के टेलीफोन एक्सचेंज और अमरपुर पर ग्राहक सेवा केंद्र पे। और इस सेवा के बाद उपभोक्ताओं को मिनिमम जो स्पीड है डाउनलोड की वो 30 Mbps मिलेगी, और इससे इन क्षेत्रों में, और इससे कोई भी उपभोक्ता बहुत कम समय में ज़्यादा डाउनलोड कर सकता है और बहुत बिना बफरिंग के हर चीज़ का, जैसे ऑनलाइन टीवी देखना हो या ऑनलाइन आपको मूवी देखनी हो या कुछ भी आपको एक लंबा डाउनलोड करना हो, बहुत ही कम समय में डाउनलोड कर सकता है। और इससे समय की बहुत बचत होगी, क्योंकि 2G और 3G की जो सेवा थी उसमें एक लिमिट होती थी डाउनलोड स्पीड में। तो जैसे आपको 100 Mbps की अगर फाइल आपको डाउनलोड करनी है 2G या 3G में, तो वो मान लीजिए अगर आपको 1 मिनट ले रही है, तो इस वाले में आपको 3 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि 30 Mbps की डाउनलोड स्पीड है, तो मात्र 3 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत आपका समय बचेगा और आप बहुत ज़्यादा अपना जो भी आपको शोध का कार्य करना हो या कोई एंटरटेनमेंट का है, उसमें आप बहुत अच्छा तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं 4G की सेवाएँ BSNL की। जिला उर्दू भाषा कोषांग के बैनर तले मंगलवार को भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में इनामी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उर्दू भाषा विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत हुए कार्यक्रम का शुभारंभ उर्दू भाषा कोषांग के जिला प्रभारी मोहम्मद गुलाब हुसैन, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी राहुल कुमार, प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन समेत कई गणमान्य लोगों ने किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन स्तर के छात्र छात्राओं ने हमारा प्यारा हिंदुस्तान, दहेज एक सामाजिक बुराई और शराब सभी बुराइयों की जड़ विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। दहेज को लेकर छात्रा ने कहा कि अजब माजरा है जनाब, देखिए दामाद मांगता है खैरात देखिए। जबकि छात्रों ने अपने भाषण के जरिए हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया की बेहतरीन तहजीब बताया और कहा कि उर्दू किसी महजब की भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका डॉक्टर साहिद रजमी, डॉक्टर हुमायूं हुमा, डॉक्टर जूही बानो ने निभाई, जबकि मंच संचालन समाज से भी डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने किया। उर्दू भाषा कोषांग के इंचार्ज डॉक्टर गुलाब हुसैन ने कहा कि बिहार सरकार उर्दू भाषा के विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत इनामी भाषण प्रतियोगिता भी शामिल है। वहीं डॉक्टर साहिद रजवी ने बताया कि सफल प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मौके पर निहाल अख्तर, मोहम्मद सब्बीर, डॉक्टर तनवीर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें विभिन्न लेवल के बच्चों को तकनीकी मुकाबला के तहत में कुछ इनाम दिया जाता है। इसमें हर क्लास एक निश्चित राशि हमें दिया जाएगा, जो 3 क्लास के लेवल के बच्चों से मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों का एक सब्जेक्ट मुकर किया गया है, जिस पर उन्हें तकलीफ देना है सभी। और हमारे टीम है जो एवेल्युएट करते हैं, और उसको फर्स्ट टाइम थर्ड का नाम दिया जाता है। उर्दू को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ स्कीम और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उर्दू डायरेक्टरेट और उर्दू जबान सेल के तहत मुनक़िद हो रहे हैं, और आज उसी सिलसिले में एक प्रोग्राम मुसाबकती
फॉर्म है जिसमें इंटर के लेवल और मैट्रिक लेवल और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के तलबा तालिबात का मुसाफ़रती फॉर्म होगा जिसमें तकरीरी मुकाबला होगा और उसमें बच्चों की लियाकत को देखने का मौका मिलेगा कि बच्चे मवाद किस तरह पेश कर रहे हैं, उनके अंदर कंटेंट कैसा है, उनके अंदर तलफ़ुज़ और ज़बान कैसी है, साथ ही साथ उनके अंदर पेशकश कैसा है। जब तक पेशकश नहीं बेहतर होगा और वो बातें दूसरे तक तरसील नहीं होगी, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी देने की कोशिश जज साहबान के हवाले होगी कि लड़कों में और दूसरी जो लियाकत है और जो दूसरे तक अपनी बातों को तरसील करने का जो मादा है वो किस तरह है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के समार नाले परिसर में एक्टू के बैनर तले मंगलवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में मजदूर हित के श्रम कानून को खत्म कर केंद्र सरकार द्वारा लेबर कोड बिल लाए जाने के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन किया और लेबर कोड बिल वापस लेने की मांग की। एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके शर्मा और राज्यस्तर जिला सचिव मुकेश मुक्त समेत कई नेताओं ने सामाजिक सुरक्षा हित लाभों में अनावश्यक देरी बंद करने, सभी असंगठित मजदूर का निबंधन कराने एवं मजदूर व ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। इस दौरान काफी संख्या में एकत्रित हुए पुरुष एवं महिला मजदूरों ने हाथों में बैनर पट्टी और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर राजेश कुमार, रितु देवी, सिफाई मंडल समेत काफी संख्या में मजदूर मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम के जलकल शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने मंगलवार को निगम कार्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान जलकल कर्मियों ने निगम के लेखापाल पंकज कुमार का बुके देकर स्वागत किया। जलकल शाखा के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि नगर आयुक्त ने चिट्ठी जारी कर प्रत्येक महीने की 7 तारीख को जलकल कर्मियों को वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया, लेकिन लेखापाल द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है जिसके कारण कर्मियों को अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कर्मियों का कहना है कि पर्व त्यौहार का समय है और समय पर वेतन नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का मामला था, मामला ये कि सारा ऑफिस भुगतान हो चुका है, हम लोग पानी जलकल कर्मचारी को 27 तारीख हो गया तक भुगतान का कहीं था पता नहीं है, और हर एक महीना 7 तारीख तक हम लोग को भुगतान देने की। कहलगांव एनटीपीसी की ओर से आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर मंगलवार को घनौरा मध्य विद्यालय में छात्रों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएसआर समरीन आलम ने की। इस दौरान शिक्षक कृतियानंद मधुकर ने कहा कि स्वच्छता अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसकी सफलता केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकती है, बल्कि इसके लिए जन भागीदारी आवश्यक है। सभी लोगों को मिलकर एक उत्सव की तरह धरातल पर उतरना चाहिए, तभी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार हो सकेगा। इस मौके पर प्राचार्य मुन्ना सिंह, नयन तिवारी, लक्ष्मीकांत, वैद्यनाथ बिहारी समेत शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। गांव गांव तक ये बात बहुत पहुंचे कि स्वच्छता क्या है और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है जिसे हम सब जानते हैं, उस विषय में सब बच्चों के बीच में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्वच्छता कैसे होता है, कचरा दान क्या होता है, सब पता है, बट एक बार झंझोड़ के फिर से वो करना है, ताजा करना है।
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को विश्वविद्यालय स्टेडियम में पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर लगाया गया। शिविर में TNB कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, BN कॉलेज, SSB कॉलेज कहलगांव और GB कॉलेज नौगछिया के स्वयं सेवक और सेविकाओं ने भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक विनय कुमार ने छात्र छात्राओं से NSS द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली और स्वयं सेवकों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन कराया। वहीं NSS के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉ. दीपो महतो ने बताया कि चयनित स्वयंसेवकों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। मौके पर NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अनिरुद्ध कुमार, डॉ. सुमन कुमार, डॉ. आशीष कुमार मिश्रा, डॉ. मुशर्रत हुसैन, शत्रुघ्न कुमार समेत NCC के प्रोफेसर कौशलेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई छात्र छात्रा मौजूद थे। आज प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन दिल्ली में किया जाता है, उसमें NSS के भी प्रतिभागी मार्चिंग कंटिजेंट राजपथ पर भाग लेते हैं। तो उसमें कई एक प्रक्रियाएं होती हैं, कई एक स्टेज पे इसकी चयन होती है। आज TNB भागलपुर यूनिवर्सिटी में इसका यूनिवर्सिटी लेवल सिलेक्शन रखा गया है। ये जो बच्चे कॉलेज लेवल पर अपने पहले चुन कर आए हुए हैं, फिर आज इनका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन की कई एक प्रक्रियाएँ हैं, जैसे दौड़ है, इनको दौड़ा कर देखा जाता है, विद इन टाइम आना है इनको, 1.5 किलोमीटर का दौड़ होता है। फिर इनकी हाइट है, फिजिकल एक्सरसाइज इनका देखना है, ट्रेड देखना है और फाइनल इंटरव्यू। और इसके बाद जो कमेटी तय करेगी और यहाँ से नाम स्टेट लेवल पर रिकमेंड किया जाएगा। फिर स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनेगी और उसके द्वारा यूनिवर्सिटी वाइज सभी बच्चों का चयन करके उनका सूचना दिया जाएगा। जो बच्चे चयनित होंगे यहाँ से, उनको सेंट्रल जोन प्री रिपब्लिक डे परेड कैंप, जो सेंट्रल जोन का इस बार मध्य प्रदेश भोपाल में होने की संभावना है, वहाँ भेजा जाएगा। ये आने जाने का खर्च, रहने खाने का भारत सरकार बियर करेगी। भागलपुर के नाथनगर स्थित SS बालिका उच्च विद्यालय में मंगलवार को 6 दिवसीय भारत स्काउट गाइड के प्रथम एवं द्वितीय सोपान का समापन हो गया। विद्यालय की प्राचार्य आभा कुमारी के नेतृत्व में शिक्षिका संगीता कुमारी एवं सिकंदर मंडल ने सभी छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान छात्राओं को गाइड नियम, सैल्यूट, सिटी संकेत, उद्देश्य, प्राथमिक उपचार, टेंट बनाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में 65 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर राम नारायण भास्कर, त्रिपुरारी यादव, रूपम मीना, नवीन कुमार सहित शिक्षक एवं छात्राएं मौजूद थी। स्काउट गाइड का समापन समारोह था, ये 21 तारीख से कार्यक्रम चल रहा था। छात्राएं इसमें 65 छात्राएं इसमें भाग ली हैं। गाइड शिक्षिका श्रीमती संगीता कुमारी इसका संचालन कर रही थी, इसके सहयोग में सिकंदर कुमार ये कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे इनको। छात्राओं ने बड़ी मनोयोग से स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, झंडा बांधना, फहराना एवं इसके प्रतिज्ञाओं को जाना, कैसे प्राथमिक उपचार किया जाता है, स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार टेंट बनाया जाता है, ये सारी बातें ये छात्राएं इससे सीख ली हैं। और साथ साथ अपने देश के लिए हमें क्या करना है, इन बातों की भी जानकारी उन्हें मिल गई कि हम प्रतिदिन अपने समाज में कैसे रहेंगे, आपस में मिलजुल कर कैसे रहेंगे, इस बात की जानकारी। भागलपुर असानंदपुर में सिया यूथ कमेटी की ओर से जश्न ए पूर नूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नूरे गद्दी की महफिल में शायर मुजम्मिल शेख पुरी ने एक से बढ़कर एक कसीदा पढ़ा। कार्यक्रम में सिया मस्जिद के इमाम मौलाना नासिर हुसैन, सज्जाद हिलोरी, बेताब हिलोरी, सबरेज कानपुरी समेत कई वक्ताओं ने अपने कलाम प्रस्तुत किए और हजरत इमाम हुसैन की जीवनी पर प्रकाश डाला। भागलपुर SM कॉलेज में मंगलवार को वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कॉलेज की छात्राओं ने राजनीति विज्ञान विभाग, इतिहास विभाग और उर्दू विभाग परिसर में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अर्चना ठाकुर, NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. अनुराधा प्रसाद, डॉ. रमन सिन्हा, अंजू कुमारी, नीलम कुमारी समेत कई छात्राएं मौजूद थी। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। पूर्ण शराबबंदी के बाद भी नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। जगदीशपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। पीरपैंती में दो अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में दो की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बांका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 4 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर में BSNL ने आकर्षक प्लान के साथ 4G सेवा का किया शुभारंभ। GM महेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी।
और जिला उर्दू कोषांग की ओर से भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सफल प्रतिभागियों को बुधवार को किया जाएगा पुरस्कृत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।